599-89803। चलो भाई थैंक यू। तो कभी आप सोच के इम्प्रेस हो रहे हो कि जतिन का यूट्यूब चैनल खुलवा ही देते हैं। अंजलि पूरी खाली है, उसके बाद भी चढ़ नहीं पा रही है ऊपर। जतिन भाई की एक ज्ञान की बात आई है अभी अभी। मैंने कुछ ना कही भाई। जतिन कह रहे हैं कि हो सकता है थार का सस्पेंशन भी हिल गया हो कि घर जाके सस्पेंशन आ जाए थार का। अबे भाई थार की दुनिया ऐसे सी कर देती है। तो भाई वो दुनिया पे ज्यादा पैसा है, दुनिया पे ज्यादा पैसा है वो तो ठीक है, बट भाई थार ऑफ रोडिंग के लिए बनी है तो ये सारी चीजें तो बहुत ही सिंपल है। ये प्यारी के लिए बनी है, प्यार करता हूँ इससे। सबसे पहले गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये थार इसकी है नहीं, ये थार मांग के लाए भाड़े की, ठीक है। तो कभी आप सोच के इम्प्रेस हो रहे हो कि जतिन का यूट्यूब चैनल खुलवा ही देते हैं गाइस, थोड़ा सा वो करके, तो ये चीज ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे है, कोई भी प्यार व्यार दिखाना हो तो सिर्फ मेरे को मनप्रीत के इंस्टाग्राम पे दिखा देना। मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में मत रखना, ऐसे तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बता दी थी। आपके सामने फिलहाल आप सिस्टम चेक करो भाई, बकवास तो हम करते ही रहेंगे। कोई बात ना यार, आज तो नेक्स्ट स्नोफॉल हो रही है। नहीं आज तो रील वील बनाने में अलग ही सिस्टम आ जाएगा। गाइज आपने कल ये सारी चीजें देख तो ली हैं, आज आपको स्नोफॉल तो अच्छे से दिखाएंगे ही, बट रील्स के लिए आज ज्यादा मेहनत चलेगी। तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, हम जितने भी इस गाड़ी में बैठे हैं सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको जिसका मन करे उसको उठाना। सबसे पहले एजे कॉलिंग पे जाके देखना, क्योंकि फ्रेश कंटेंट सबसे अच्छा आपको सिर्फ वहीं पे देखने को। तो गाइस जतिन सिंघल है, तो इसके लिए एक प्यारी सी लड़की सजेस्ट करता हूँ। सजेस्ट कर दो भाई, छोरा देखो स्मार्ट तो है ही, अपना फरवरी में ब्याह है इसका। तो उससे पहले जितनी आज की कर सकता है कर लेना भाई, और वो लड़के हराम ही होगी जो तब पे सेटिंग कर लेगी। तो भाई इस बात को थोड़ा सा कट कर देंगे। भाई कैसा फन चल रहा है स्नोफॉल में? अच्छा फन है बहुत। अब तो पूरी बर्फ दिख ली। हाँ पूरी बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हैप्पी बर्थडे भाई। अंजलि। तो भाई इनका हैप्पी बर्थडे है, स्पैम कर दो हैप्पी बर्थडे जितना हो सके, ठीक है। भाग जाके चल जा आगे। दोस्तों हमारी थार तो पूरी की पूरी पैक हो ही चुकी है, और यहाँ पे जो ये स्लिपरी एरिया है थोड़ा सा देखो भाई, जिप्सी वो पूरी खाली है, उसके बाद भी चढ़ नहीं पा रही है ऊपर, पूरी स्लिप हो रही है अच्छे से। भाई यहाँ पे आप देखो स्लिप हो रही है गाड़ियाँ काफ़ी, क्योंकि स्नो हैवी हो रहा है, और कल भी पूरी यहाँ पे सारी ब्लैक आइस जमी हुई है रात को जो हुई है। और अभी हमारे थार का नंबर है, देखते हैं भाई क्या सीन बनेगा। तो यही है फिलहाल जो मेन असली रिस्क है, जो सारी चीज़ें होती हैं बर्फ़ के टाइम पे। तो भाई मैं तो गाड़ी से पहले ही उतर गया हूँ, क्योंकि भाई मैं तो अपने साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो भाई बाकी आराम से इनको करवाएंगे। आ जाओ भाई, स्नो अब तो ज़्यादा हैवी होने लग गई है, ऐसे पड़ रही है फटाफट फटाफट, आवाज़ आ रही है अलग ही, थार आ रही है। फिलहाल तो आराम से जा रही बेचारी। थार तो यहाँ तक तो बड़े आराम से चढ़ी है, ये कोई दिक्कत आई नहीं है इतनी। भाई ऊपर का सीन में चेक करा, तो फिलहाल आप हमारी थार देख लो। भाई अक्षय आ रहे पूरे फन है, बिल्कुल मजा आ गया। भाई ऊपर गाड़ियाँ फंस रही है, आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के थोड़ा सा। पूरा संघर्ष चल रहा है भाई, गाड़ी निकालने का, निकल तो गई है, और आगे से गाड़ी आगे। ज्यादा स्नो है क्या? स्नो नहीं है बाप, में प्रॉब्लम हो गया अभी तो ठीक है। तो भाई ये गाड़ियाँ सारी लाइन से खड़ी हुई है, और स्नोफॉल ज्यादा होने के चक्करों में भाई ऊपर जाने का रिस्क सब बोल रहे हैं कि भाई ना ही लें तो ही अच्छा है। स्नो आप चेक कर सकते हो कितनी हैवी स्नो हो रही है फिलहाल। सारा सिस्टम पैक कर रखा है और गाड़ियां यहाँ से वापस मूव हो रही है पीछे नीचे की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर हम अगर जाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर स्नो और तेज है और बर्फ बहुत ज्यादा है, तो हम 1% भी ये रिस्क अभी नहीं लेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ से जतिन गया है, गाड़ी बैक कर रहा है, अगर बैक हो जाती है अच्छे से तो ठीक है, वरना आगे कोई स्पॉट देखेंगे वहाँ से बैक करेंगे। पर भाई अगर स्नो मैं आपको दिखाऊं तो, हे मनप्रीत ब्रो, बहुत ही हैवी स्नो हो रहा है। सो गाइस जन्नत है तो वो सिर्फ मनाली में है, कश्मीर में ऐसा कुछ भी ना है। गाइस जन्नत है तो सिर्फ मनप्रीत गाना वाना सुना रहा था तो कौन सा कुछ तो बता बहुत ज्यादा है। लाला अजी इतना भयंकर सिस्टम क्यों करवा रखा है? चक्कर घुमा दूं? चक्कर मत घुमा दे तू, यहाँ तक पड़ मत जाइए। ये मनप्रीत तो जाओगे, मैंने तो पक्का पता है। 10 मिनट अच्छी लगे ना बस, है भाई मनप्रीत? 10 मिनट अच्छी लगे ना, दुखी हो रहे हो ना? यहाँ तो इस टोपे ने पैर ले, सारे टोपे में अंदर भर जाएगी। एक बार नीचे हो जाए पूरा, कोई ना जड़वा देंगे इसको। भाई देख ले बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, संघर्ष कितना चल रहा है। तो गाइस सबसे मेन चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, हम दोनों नेक्स्ट ट्रिप बिल्कुल अकेले मारने वाले हैं। तो हम 2 ही लोग हैं, तो हम और किसी को अपने ग्रुप में से नहीं लेके जा रहे हैं। तो किसी भी भाई को अपने जो भी चैनल पे वीडियो देखता है, जो मतलब पसंद कर रहा है सारी चीजें, अगर उसको व्लॉग में ज्वाइन होना है, हमारे साथ कोई ट्रिप लेना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डीएम कर दो, सारे कमेंट कर दो, या मेरे को पर्सनली डीएम करके मेरे से बात कर लो, तो हम चलेंगे सारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से इंजॉय करेंगे। और भाई ये जो सिस्टम बाहर हो रहा है ये तो नेक्स्ट है ही, इससे भी ज्यादा मजे लेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो हम दोनों अकेले ही होंगे उसमें, नहीं? हाँ, मैं और ये अकेले, हम दोनों अकेले, तो कोई और नहीं होगा ग्रुप का। तो आप में से अगर कोई भी जाना चाहे तो भाई आप साथ चल सकते हो। भाई ये लाला आए हुए साथ, भाई जो बाई चांस गलती से कोई इसको खाली दिख जाए ना, बस फोटो खींच दे, फोटो खींच दे, रील बना दे। छोड़ रहा है लोकल हिमाचल वाले लोगों को पकड़ लिया इसने कि भाई एक बार एक फोटो खींच दे, एक फोटो खींच दे, क्योंकि हम तो भाई बेचारे बहुत परेशान हो लिए। जो इसकी फोटो बनवाते उसको 10,000 रुपए इनाम है। और भाई स्नो आज कल के हिसाब से इतनी तेज है, और आपको नॉर्मली दिख ही रही होगी कि भाई कितनी तेज स्नोफॉल हो रही है। और भाई इनका चल रहा है बढ़िया थार पे फोटो सेशन, हम तो अंदर बैठे हैं फिलहाल, आराम से देख रहे हैं, अगर जगह मिलती है तो गाड़ी कहीं मोड़ ले। हॉर्न मारी थोड़ा सा, डर बच्चों को वैसे तो हटे ना, ये क्या चाहिए भाई, क्या बदतमीजी है, चला जा। मैं सबसे असली संघर्ष गाड़ी बैक करने का, मोड़ने का, और जगह ऐसी बिल्कुल कहीं भी मिल ही नहीं रही है कि जहाँ से गाड़ी बैक हो जाए। जस्ट पूरा संघर्ष चल रहा है गाड़ी बैक होने में, कम से कम 7-8 आदमी लग रहे हैं बैक करवाने में। भाई आराम तो चलो, आराम चले आगे, ले। आगे बताइए, आगे बताना, बस रुको, मो कोई मदद की जरूरत ना, तेरा भाई ड्राइवर पड़ा तू तो है भाई, पीछे देखियो। जगह पे लगा देना, मैं तो जा ही रहा हूँ। ठीक है ब्रो, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। नाम बता दो, अरुण ठाकुर। अरुण ठाकुर, ठीक है भाई, 459989803। ठीक है, ठीक है, अरुण ठाकुर नाम है भाई, इनकी टैक्सी चलती है यहाँ पे, स्पेशल डिस्काउंट कोई नहीं देते, बस यू ही है। थैंक यू भाई। और नाली देखियो, नाली बहुत दूर काट दे, बस पीछे ले ले, थोड़ी सी बैग लेनी पड़ेगी, दो जगह कट जाएगी, ले ले बैग, काट दे पूरी, काट। चलो भाई फाइनली हमारी गाड़ी बैग तो हो गई है। चलो भाई थैंक यू, थैंक यू, बस बस बस, कोई बात ना। भाई साले मरेगा, अरे यार इनकी वीडियो ने खा लिया कसम से। एक थार में सबसे बड़ा नुकसान है, ड्राइवर साइड, कंडक्टर साइड वाले को उतरना पड़ता है, जल्दी लो डोलो, बड़ी मुश्किलों से ही भाई गर्मी का माहौल सा बना था, थोड़ी देर 10-15 मिनट अंदर बैठ के, और इन्होंने फिर से उतार दिया है। बैठ जाना यार भाई, अरे इसके कंधे पे तो झाड़ दे थोड़ी। भाई थार का आप हाल देख ही सकते हो गाइस, की पूरी ही एक तरीके से ढकी रही है गाड़ी, और जितनी देर यहाँ रुकेंगे उतनी बर्फ इसमें जमती जाएगी। तो फिलहाल अक्षय बैठिए ना, बैठा रहा भी, रुक जा। क्या होगा? गेट बंद कर दे, नीचे आज गेट बंद कर दे। कितना नीचे? अरे यहीं आड़ो कटते नीचे यार। चल भाई चल। बड़ी मुश्किल होते ही पैर वैर ऐसे हुए थे कि ठीक ठाक से, मैंने ऐसा लग रहा है मैं पढ़ूंगा।